अलवर जिले के सोडावास के गांव जीवन सिंहपुरा का शहीद प्रदीप गुर्जर का आज सोमवार को हुआ अंतिम संस्कार। समदा ग्राम पंचायत के गांव जीवन सिंहपुरा के जवान प्रदीप गुर्जर गुरुवार को सिक्किम में शहीद हो गए थे। शहीद प्रदीप गुर्जर के पिता माडाराम गुर्जर ने बताया कि 22 वर्ष के प्रदीप गुर्जर सेना में 25 राज राइफल में भर्ती हुए थे। 2.5 साल उनको सेना में भर्ती हुए हो गए थे। उनके बड़े भाई संदीप छावड़ी ने बताया कि शामदा मेले में दोपहर को उन्हें सूचना मिली कि प्रदीप गुर्जर शहीद हो गए हैं। शहीद के पिता माड़ाराम गुर्जर एक किसान है और माता सरोज देवी गृहिणी है। शहीद के दो भाई हैं। शहीद का पार्थिव शरीर जीवन सिंहपुरा गांव में सोमवार को सुबह 9 बजे पहुंचा। ग्रामीणों ने आलनपुर से प्रदीप के घर तक पैदल चलकर उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ जय जवान जय किसान प्रदीप शहीद अमर रहेगा के नारे लगाते चले। प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस के सीओ देशराज ने व्यवस्था बनाई रखी। थाना प्रभारी हसरौरा सत्यनारायण गुर्जर सोहन लाल ने मौके पर व्यवस्था बनाए रखी। शहीद के अंतिम संस्कार में 5,000 के लगभग लोग मौजूद थे। मुंडावर तहसीलदार रोहितास पारिक, मंजीत धर्मपाल चौधरी, बांसुर विधायक शकुंतला रावत, सांसद बाबा बालकनाथ के प्रतिनिधि योगेंद्र नाथ, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पंडित गोपीचंद शर्मा, मेजर कविता यादव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सदस्य, पूर्व प्रधान शम्मी चौधरी, ललित यादव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति सचिव केजी कौशिक, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष करण सिंह चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता बलराम चनेजा, अनिल शर्मा, सोड़ावा सरपंच सीमा सरजीत चौधरी सहित सभी ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और पुष्प चक्र अर्पित करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद प्रदीप गुर्जर के अंतिम सलामी दी। अरे सबने देख ले बाजे पर अरे आराम से करो भाई। अरे अरे शहीद के लिए कोई दिक्कत नहीं, शहीद हो जाओ मेरे को यहाँ को देश की रक्षा करते लिए। बहुत बढ़िया, देश के लिए मैं और गर्व की बात है। और ये भी शहीद चला भी जाए और शहीद हो जाए तो भी मेरे कोई गर्व की बात नहीं है। मैडम बताएंगे, ये प्रदीप छावड़ी जो लड़का सीमा पर एक दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुआ है, उन्हें हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देने और आए हैं यहाँ पर। उनके परिवार को भी थोड़ी सांत्वना मिले, क्योंकि जो लड़का, जो माँ का लाल, जो बहन का भाई उस सीमा पर शहीद होता है देश की रक्षा करते हुए, तो ये एक बड़े गर्व की बात है। लेकिन माँ बाप का कलेजा तो माँ बाप का ही होता है, क्योंकि वो अपने सपूत को देश की सेवा के लिए भेज रहे हैं। तो सारे लोग यहाँ जितने भी अधिक से अधिक इकट्ठे हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं भाई मंजीत चौधरी और हम भी हैं, तो जो जो भी सरकार की तरफ से, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने शहीदों के माता पिता के लिए जैसे पैकेज दिया है FD का कि 5 लाख रुपये की उनके लिए FD की जाएगी और पेंशन व्यवस्था है। सारी शहीदों को सम्मान देने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से जो भी फॉर्मेलिटीज होगी, जो भी पैकेज होगा और इनकी FD करानी होगी, उसमें हम पहले ही सरकार की तरफ से बात हो गई थी। हमारी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कह दिया था, हम सूचना दे दी थी, तो जो भी पैकेज है उन्होंने कहा तुरंत से तुरंत इनको रिलीफ दिया जाएगा सरकार की तरफ से। थैंक यू।
हम सबसे पहले हमारे गांव की तरफ से हमारे राष्ट्रनायक प्रदीप को बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि देते हैं। गांव का एक एक व्यक्ति पिछले 5-6 दिन से जब से प्रदीप गांव में नहीं आया तब से उसको उसके दर्शन के लिए लाइन लाई था, और हमें भी गर्व है हमारे गांव का बेटे ने देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और हमारा गाँव सदैव राष्ट्र के प्रति सदैव आगे रहा है, और भी बच्चे हमारे गाँव से इससे प्रेरणा लेंगे, और सभी लोगों ने आकर के हमारे लोगों को सांत्वना दी, इसके लिए सभी का आभार कर लिया। आपको कैसा लग रहा है कि अपने बच्चा सपूत शहीद हुआ है? सबसे पहले तो भाई प्रदीप को नमन करता हूं और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि भाई उनके परिवार में एक ऐसे वीर पुरुष ने जन्म लिया जिसने जीवन सिंहपुरा अपने परिवार का ही नहीं पूरे मुंडावर क्षेत्र और पूरे अलवर जिले का नाम करा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि दोनों सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, जो भी योजनाएं शहीद के लिए हैं पूरी ताकत के साथ उनको जल्द कार्रवाई करवाने के काम करेंगे, और विधायक कोष से जो 4 लाख रुपए शहीद की स्मारक के लिए दिए जाते हैं मैं उसकी आपके माध्यम से आप सबके बीच में आज उसकी यहाँ घोषणा करता हूँ कि भाई प्रदीप के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सांसद का प्रतिनिधित्व करने यहाँ पे आए हैं तो क्या क्या कहना चाहेंगे, आप क्या विचार है इस बारे में? शहीद और उसके परिवार को भी ढांढस बंधाऊंगा कि भाई देखो माँ बाप बच्चे का जन्म करते हैं उनका एक उद्देश्य होता है कि वो राष्ट्र के काम आए समाज के काम आए तभी उसका जीवन सार्थक होता है। तो ये तो आज इनको बड़ा सौभाग्य का रहा है कि भाई उनको ये देश के लिए आज जो प्राण न्योछावर किया ये इनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये कच्चा दिल नहीं रखें कि भाई जो आज हमारा बच्चा कच्ची उम्र में चला गया, ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हर आदमी को ये सौभाग्य देश के लिए नहीं मिलता है। सांसद जी की तरफ से कोई आपका मैसेज शहीद के परिवार को? जो भी नियमानुसार गवर्नमेंट का जो रहता है वो सब हम सब मिलकर के जो है माननीय विधायक जी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो सब मिलकर के वो नियमानुसार जो है वो कार्यवाही जो है। आपको क्या कहना? सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ और निश्चित रूप से हमें इस बात का दुख तो हुआ कि हमारा एक साथी देश सेवा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन खुशी इस बात की हुई देश सेवा करते हुए हमारा इलाके का नौजवान जो अपने प्राणों की आहुति दी, हमें गर्व महसूस हुआ कि हमारा इस मुंडार विधानसभा क्षेत्र के नौजवान ने वीर ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। निश्चित रूप से ऐसे वीरों की शहादत अभी व्यर्थ नहीं जाएगी, और निश्चित ही इनके जो माता पिता हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे वीर सपूत को उन्होंने जन्म दिया है, और निश्चित ही जहाँ इनकी मूर्ति लगेगी वहाँ हर दिन निकलने वाला हर नौजवान साथी उनसे प्रेरणा लेकर के जाएगा, और निश्चित ही आने वाले वक्त में इनकी स्टैचू से यहाँ के नौजवान प्रेरणा लेकर के हजारों हजारों नौजवान और हमारे डिफेंस में फौज में भर्ती होंगे। और इनके माता पिता को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना बहादुर शेर पैदा किया।